हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज 101 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट टू करने जा रहे हैं आरआरबी पीओ मेंस के लिए, और आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, मेरा टारगेट है आपका आईबीपीएस क्लर्क तक आपके 15 सेट करवा दूं आप लोगों को। तो इससे क्या आपका रिविजन भी होता रहेगा अच्छे से, और टॉपिक वाइज करंट अफेयर मैंने बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर दी है, उसमें और चीजें ऐड हो जाएगी, डोंट वरी। अगला जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है वो है बजट, क्योंकि इस बार का बजट बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिव है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, 5 से 6 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो कल अपन सेट 3 नहीं करके बजट करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें 70-80 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज जो भी लोग नए जुड़े चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, लाइक और कमेंट से मेरे मोटिवेशन है ये, बस इनसे कुछ भी नहीं मिलता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ लाइक कमेंट करो मेरे मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जल्दी से करेंगे, ज्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा, और वीकली करंट अफेयर जो और टॉपिक वाइज करंट अफेयर वो देखते रहो, ठीक है। वहां से आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, और कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने लोग मेरे चैनल पे जुड़ने के बाद जीए के मार्क्स जो मॉक टेस्ट में भी आपके इंक्रीज हुए होंगे, तो एक बार बताना किन किन के मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, कितने कितने हो रहे हैं अभी। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला है कि अभी जो बजट आया उससे पहला क्वेश्चन उसी से है। निर्मला सीतारमण जी ने भी अनाउंस किया है कि ये सेटअप करने वाला एक वेंचर कैपिटल फंड कितने अमाउंट का फॉर एक्सपेंडिंग द स्पेस इकोनॉमी बाई 5 टाइम्स इन नेक्स्ट 10 ईयर। तो जो स्पेस इकोनॉमी है उसको 5 गुना बढ़ाना है अगले 10 साल में, उसके लिए निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है कि वो सेटअप करेंगे एक वेंचर कैपिटल फंड, वो 1000 करोड़ का, ठीक है। और अभी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड स्कीम का आउटले कितना रखा था, 150 करोड़, ये मैंने बताया था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कौन अभी फर्स्ट इंडियन बने हैं, फर्स्ट एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में ऐड किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो है लिंडर पेस और विजय अमृतराज, इन दोनों को ऐड किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी रिकमेंड किया है, लिमिट सेट कर दी है, जो भी आर्बिट्रेशन के थ्रू केस सोल्व होंगे, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के डिस्प्यूट है, कितने अमाउंट तक के होंगे, तो वो 10 करोड़ तक के होंगे मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अभी एक बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है चंदू चैंपियन, तो वो किन की रियल लाइफ की स्टोरी के ऊपर है, इसको स्टार मार्क कर देना। इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो सकती है, वो मैं बता रहा हूँ कैसे फ्रेम करेंगे। तो चंदू चैंपियन किन के ऊपर है, तो वो है मुरलीकांत पेटकर जी, महाराष्ट्र से हैं ये, ठीक है, और ये स्विमर भी है, ठीक है, और ये रेसलर थे पहले, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन बनेगा, इन्होंने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है पैरालंपिक गेम्स में, इंडिया का पहला मेडल, पहला जो गोल्ड मेडल है वो इन्होंने जीता था, वो है मुरलीकांत पेटकर साहब ने पैरालंपिक गेम्स में 1972 जो हिडेलबर्ग जर्मनी में हुआ था वहाँ जीता था। लोकेशन भी याद रखनी है, और गवर्नमेंट ने इनको बहुत बाद रिकॉग्नाइज किया, और इनको 2018 में पद्मश्री दिया है, और जीता कब था इन्होंने, 1972 में। तो इसी मूवी के अंदर भी यही एक्सप्लेन करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट, कौन से स्टेट ने अभी मुख्यमंत्री निजुत मोइना स्कीम लॉन्च की है, तो वो की असम ने, असम की एक स्कीम आई थी विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम भी असम की है, ठीक है। अमृत वृक्ष आंदोलन 2.0 भी इसी की है, ठीक है। और सिक्किम हाईकोर्ट इंडिया का पहला हाईकोर्ट बन गया है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल लीव दे रहा है, मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड कर रहा है, हाईकोर्ट का पूछे तो सिक्किम है पहला, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 2025 को सेलिब्रेट करेगा एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूथ एंड यूथ एस्पिरेशन, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। अभी किसको डेजिग्नेट किया है होस्ट कंट्री फॉर इनोग्रल FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप, जो 2025 में होगा दिसंबर में। तो FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप का पहला एडिशन इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है। जापान की अभी क्योटो यूनिवर्सिटी है, क्योटो यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक वुडन सैटेलाइट बनाई है लिग्नोसेट स्पेस डेब्री को कम करने के लिए, ठीक है। इंडिया ने जापान के साथ एचआर रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने एमओयू किया था, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट ऑब्लिग्यूटी ने अभी एक एमओयू किया, मेमोरेंडम कोऑपरेशन किया न्यूजीलैंड के साथ इनटू फुल फ्लेज्ड स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट टू ट्रांसफॉर्म शिप एंड गोड सेक्टर थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग इनिशिएटिव। तो शिप और गोड सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जम्मू कश्मीर ने न्यूजीलैंड के साथ पार्टनरशिप की है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराखंड क्यों था,
पिरुल लाओ पैसे पाओ, पिरुल लाओ पैसे पाओ, उत्तराखंड का इधर। ठीक है, पहला एस्ट्रो टूरिज्म है नक्षत्र शबा, वो भी उत्तराखंड का था, नक्षत्र शबा। ओके, और लद्दाख में नए 5 डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं, पहले 2 थे, तो टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हो गए लद्दाख के अंदर। ठीक है, और हिमोन्नति हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है, हिमोन्नति हिमाचल प्रदेश का, हिमोन्नति। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। अभी जीमैक्स एक्सरसाइज हो रही है कौन, इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ, तो मैंने आपको बताया था ये 8th एडिशन है जीमैक्स एक्सरसाइज का, इंडिया और जापान के बीच में। कहाँ पे हो रही है ये, योकोशुका में हो रही है, योकोशुका। यहाँ पे आईएनएस शिवालिक गया, आईएनएस शिवालिक। ठीक है, और दोस्तों जो मैंने इस बार कंटेंट करवा आपको प्रोवाइड करवाया है ना, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, बट अभी मेरे पास बहुत कम टीम है, ये सारा मैंने किया है टॉपिक वाइज डेली के लिए। एक अपने हेल्पर है, कंटेंट राइटर है अर्पण, उन्होंने बहुत हेल्प की है डेली कंटेंट में, बट उसके अलावा एक दो जनों को और मैं ऐड करूंगा जल्दी, ताकि क्या ऐसा कंटेंट दूं कि लोगों के जीए में मार्क्स आए, जैसे क्वांट में आते हैं, रीजनिंग में आते हैं, 25-25 मार्क्स आए, मेरा मेन ये एम यही है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों में से ही मैं किसी को सिलेक्ट करूंगा, बट अभी आप पेपर पर फोकस करो, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। और इंडिया ने यूएसए के साथ एक कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट किया था, कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इंडिया ने यूएसए के साथ किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज इश्यूड स्कीम गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइड प्रोग्राम कंपोनेंट टू इंसेंटिव स्कीम फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन अंडर मोड 1 ट्रांस 2। तो साइड प्रोग्राम किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है। ठीक है, साइड प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, तो वो करेगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और जो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है वो है प्रोड्यूस करना है 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन बाय 2030। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोग्राम 31 मार्च 2030 तक चलेगा, साइट प्रोग्राम का आउटले कितना है, 13,050 करोड़, 13,050 करोड़। ठीक है, और ट्रेंच 2 का टारगेट कितना दिया है साइट प्रोग्राम का, 4,50,000 टन पर एनम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इनको प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, और इसके अलावा एक सेकेंड और अपन रिलेट करें, और जो अभी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उसके थ्रू 1 करोड़ हाउस होल्ड को मुफ्त बिजली प्रोवाइड करानी है, 200 यूनिट बिजली बचेगी उससे। ठीक है, मैक्सिमम कितना आपको उसमें सब्सिडी मिल सकती है, 78,000 1 किलोवाट पे अलग है, 2 किलोवाट पे अलग है, गवर्नमेंट स्कीम की क्लास देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। कौन से बैंक ने अभी कोलेबरेट किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के साथ टू लॉन्च एस बैंकर प्रोग्राम। तो एस बैंकर प्रोग्राम HDFC बैंक ने, NIIT की सब्सिडरी है, नेशनल IFBI के साथ की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी है, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के साथ, और इन्होंने मिलकर एस बैंकर प्रोग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, HDFC बैंक पहला प्राइवेट बैंक है जिन्होंने लक्षद्वीप के कवरत्ती आइलैंड में अपनी ब्रांच ओपन की, लक्षद्वीप के कवरत्ती आइलैंड में अपनी ब्रांच ओपन की है। ठीक है, याद रखना ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड द यूनिकॉर्न स्टेटस आफ्टर रेजिंग अराउंड $120 मिलियन? तो 100 मिलियन से जो ज्यादा होता है वो यूनिकॉर्न होता है। ठीक है, तो रेपिडो, रेपिडो अभी इंडिया की 4th बनी है 2024 के अंदर, इससे पहले कौन कौन बने हैं, कृत्रिम, प्रीफोइस और पोर्टर, ये 4th है। ठीक है, इन कमेंट सेक्शन में देखना रेपिडो के फाउंडर वगैरह कौन है, एक बार देख लेना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। कौन से स्टेट ने भी अनाउंस किया मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना, ये किसने की है, ये छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ की 2 माइंस है, गेवरा माइंस और कुसमुंदा माइंस। ठीक है, ये इसकी सेकंड रैंक है वर्ल्ड में, वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल माइन, और कुसमुंदा माइन की 4th रैंक है, ये दोनों छत्तीसगढ़ के अंदर है। ठीक है, और सबसे जो लार्जेस्ट माइन है वर्ल्ड की, नंबर 1 पे कौन है, ब्लैक थंडर माइन, यूएसए की ब्लैक थंडर माइन, यूएसए की, और ये जो इंडेक्स दिया था किसने दिया था, वर्ल्ड एटलस ने। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अभी इनहेंस कर दिए मॉडल स्किल लोन स्कीम,
जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल स्टेट फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इंक्रीज किए मैक्सिमम लोन लिमिट कितनी कर दी है, पहले 1.5 लाख थी अब हो गई है 7.5 लाख। ये बजट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और ये कितने स्टूडेंट को बेनिफिट करेगी, 25,000 स्टूडेंट को बेनिफिट करेगी। तो मॉडल स्किल लोन स्कीम में लोन कितना मिलता है मैक्सिमम 7.5 लाख, पहले 1.5 लाख मिलता था अब 7.5 लाख हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन अभी बिल्ड कर रही है ए न्यू रिसर्च वेसल फॉर DRDO विथ ए डील ऑफ अप्रोक्सीमेटली 500 करोड़। तो 500 करोड़ में DRDO के लिए नया रिसर्च वेसल कौन बना रही है, वो बना रही है GRSE कार्डन रिच सी बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है, ये बना रही है। नेक्स्ट चलते हैं, रशिया स्टेट कॉरपोरेशन, तो रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रोस्कोसमोस, उन्होंने अप्रूव किया है ये रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बनाएंगे बाय विच ईयर 2033। तो 2033 तक रोस्कोसमोस ने बोला है कि ये रशियन ऑर्बिटल स्टेशन बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। और अभी $843 मिलियन नासा ने स्पेसएक्स को दिए थे टू डी ऑर्बिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय 2030, टू डी ऑर्बिट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बाय 2030। वॉइस क्लियर है ना, एक बार बता देना मुझे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने अभी लॉन्च किया है वर्ल्ड की पहली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बाइक। तो CNG बाइक किसने लॉन्च की है, तो वो की है बजाज ऑटो ने की है, बजाज ने की है वर्ल्ड की पहली CNG बाइक, उसका नाम है बजाज फ्रीडम 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, RBI का एक मेजरिंग प्रोडक्टिविटी है एट द इंडस्ट्री लेवल इंडिया, KLEMS डेटाबेस होता है RBI का, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रेट प्रोविजनली ग्रो एट व्हाट परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 24 फ्रॉम अ ग्रोथ ऑफ 3.2% इन फाइनेंशियल ईयर 23। तो 6% ग्रो हुई है प्रोविजनली एम्प्लॉयमेंट रेट अकॉर्डिंग टू KLEMS डेटाबेस। KLEMS की फुल फॉर्म कैपिटल लेबर एनर्जी मटेरियल एंड सर्विसेज, ठीक है। और अभी RBI इस डेटा के अकॉर्डिंग RBI डेटा शोड दैट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इंक्रीज्ड बाय 4.6%, सो 4.67 करोड़, ठीक है, टू 64.33 करोड़ प्रोविजनल इन फाइनेंशियल ईयर 24। तो पहले जो फाइनेंशियल ईयर 23 में जो थी ना, ये डेटा याद मत रखो आप क्यों ये कंफ्यूज करेगा आपको, तो जो प्रोविजनल आई है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रेट वो कितनी है 64.33 करोड़, ये फाइनेंशियल ईयर 24 में, फाइनेंशियल ईयर 23 में 59.67 करोड़ थी, ये RBI के डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और परसेंटेज वाइज पूछे प्रोविजनली कितनी ग्रो हुई है, तो वो हुई है 6% ग्रो हुई है, 3.2% फाइनेंशियल ईयर 23 में, इस बार 6% ग्रो हुई है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, KLEMS की फुल फॉर्म याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, किसको भी CMD बनाया IDEX का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के CMD किसको बनाया, वो बनाया सत्यनारायण गोयल को, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी स्पेस एजेंसी है जो लॉन्च करने वाली एक टेलीस्कोप जिसका नाम है HWO Habitable Earth Observatory in 2040 to find proof of extraterrestrial life, aliens की life और inhabited planets beyond the solar system, जो solar system से भी आगे है उन वहाँ पे alien और inhabited planet को खोजने के लिए 2040 में HWO कौन लॉन्च कर रहा है Habitable Earth Observatory, तो वो कर रहा है NASA, ठीक है। NASA के AI chief किसको बनाया था, David Sheldon Guinea। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यूनेस्को ने रिसेंटली एडिशन किए 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व, उसके रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है, तीनों पॉइंट ट्रू है। यूनेस्को हैज डेजिग्नेटेड 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व इन 11 कंट्रीज इंक्लूडिंग 2 ट्रांस बाउंड्री बायोस्फीयर रिजर्व, टोटल 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को 11 कंट्री में एड किया है। तो टोटल नए जो न्यू बायोस्फीयर रिजर्व है वो 759 साइट में अक्रॉस 136 कंट्री, ठीक है। और पहली बार किसको ऐड किया, बेल्जियम और गैम्बिया को, ठीक है, जाम्बिया को ऐड किया है, तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। टोटल 759 साइट है 136 कंट्री में, और टोटल कितनी है तो उसमें 24 ट्रांसबाउंड्री साइट है, ये सारी चीज़ याद रखना, ठीक है। और जो 36 सेशन होगा इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल का, जो गवर्निंग बॉडी है यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की, जो अगाडिस मोरक्को के अंदर होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कॉमेमोरेशन ऑफ 1995 जिनोसाइड इन सेरेब्रेनिक,
तो श्रेबरेनिका में जो जिनोसाइड हुआ था उसको कॉमेमोरेट करने के लिए दिन मनाया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया है यूनाइटेड नेशन ने 11 जुलाई को। ठीक है, 6 जुलाई को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बस आप याद रख लो, रूरल डेवलपमेंट के लिए 6 जुलाई। ठीक है, संविधान हत्या दिवस 25 जून। संविधान हत्या दिवस कब मनाएंगे? 25 जून को मनाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने डिक्लेयर किया है। 25 मई को यूनाइटेड नेशन की तरफ से वर्ल्ड फुटबॉल डे, वर्ल्ड फुटबॉल डे डिक्लेयर किया है। ठीक है, नेक्स्ट। और इस वीडियो का भी टारगेट 500 लाइक है, लाइक करते रहो यार जिन्होंने लाइक नहीं किया, और 5000 व्यू का टारगेट है अपना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना इंडिया के अंदर जो पब्लिश कर रहा है फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्ट्री अक्रॉस ऑल लोकल बॉडीज। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला स्टेट कौन है जो पीबीआर रिलीज कर रहा है? तो वो है केरला, जिसने जैव ग्रामम प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। तो केरला की कौन सी ग्राम पंचायत है? थाजाकारा ग्राम पंचायत, जो अलापुआ में है। ठीक है, वो लॉन्च कर रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने उपवन योजना, उपवन योजना उत्तर प्रदेश की ही है, अभी मैंने पढ़ा था रिसेंटली। ठीक है, और कर्नाटक ने 1040 करोड़ का पार्टनरशिप की थी। साउथ कोरिया की दो कंपनी थी, एमनी कंपनी और डेन सॉल्यूशन, दो कंपनी के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के साथ एमओयू किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रेमवर्क एंड असेसमेंट ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया? तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को, फ्रेमवर्क को असेस करने के लिए एनसीएईआर के साथ पार्टनरशिप किसने की थी? तो वो की डीपीआईआईटी ने। ठीक है, और अभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, डीपीआई इंडेक्स किसने लॉन्च किया? वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया था। ठीक है, उसके उसको एग्जामिन करने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी, उसके हेड थे अभय प्रसाद होटा। ठीक है, और लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क को देखने के लिए, डेवलपमेंट के लिए एनसीएईआर के साथ डीपीआईआईटी ने पार्टनरशिप की। ठीक है, ब्रेक लेते हैं पानी का, आप भी पी लीजिए पानी, फिर कंटिन्यू करते हैं। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, जिसने मेरी सारी क्लासे देखी है ना, जिसने मेरी सारी बातें मानी है, जो जो मैंने चेकलिस्ट बताई थी, वो चेकलिस्ट का के लगभग 9 पार्ट मैंने करवाए हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। और जो मैंने चेकलिस्ट बताई थी कि ये चेकलिस्ट करके जो इस टाइप से आप पढ़ो, और जो मेरी वीडियो से कर रहे हैं ना, उनके बेहतरीन मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। अभी इंडियन कौन सी रेसलर है जिनको गोल्ड मेडल जीता 50 kg में एट ग्रांड प्री ऑफ स्पेन? तो स्पेन के अंदर जो ग्रांड प्री हुआ, स्पेन ग्रांड प्री किसने जीता है? तो वो जीता है विनेश फोगाट ने। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विनेश फोगाट 50 kg कैटेगरी में ही पहली रेसलर है, इंडियन रेसलर है जो फाइनल में गई थी ओलंपिक में। वो ओवरवेट की वजह से बाहर हो गए थे। ठीक है, और उन्होंने डिफीट किया मारिया टोमारे कोवा को। ठीक है, और ओपन जो टेनिस के ओपन है वो मैंने तीनों याद करवा दिए थे। जो सेट वन है, सेट वन जाके देख लो, उसमें तीनों याद करवाए मैंने, विम्बल्डन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। यूएस ओपन और विम्बल्डन ओपन काफी लेटेस्ट है, इनको रट लेना, तीनों याद कर लो आप तो एक बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद ब्लू ओरिजन अनाउंस इंडिया एज ए पार्टनर नेशन इन दी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अनाउंस किया है, ब्लू ओरिजन के साथ मिलकर इंडिया को पार्टनर नेशन अनाउंस किया है? तो वो सेरा, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी ने ये किया है। ठीक है, और इसमें सेरा विल ऑफर सिटीजन फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड 6 सीट ऑन ए फ्यूचर मिशन ऑफ न्यू शेपर्ड। तो 6 सीट होगी। ठीक है, इंडिया, नाइजीरिया एंड मालदीव्स। ठीक है, यहाँ से जाएंगे। ठीक है, विल बी ईच बी अलॉटेड ए सीट ऑन द मिशन ऑफ ब्लू ओरिजन। ठीक है, हर एक को सीट मिलेगी, बस यही ध्यान रखो आप। कौन कौन सी कंट्री? इंडिया, नाइजीरिया, मालदीव्स। कंपनी कौन सी? सेरा। नेक्स्ट, अभी आईसीसी जो मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था 29 जून को फाइनल हुआ था। ठीक है, तो हर एक 19 नवंबर के लिए एक 29 जून भी होता है। ठीक है भाई, क्रिकेट से तो बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि संडे को ओनली मैं खेलने जाता हूँ। हर संडे का वेट होता है मुझे, संडे के सुबह 7 बजे का वेट होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आईसीसी जो मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ, उससे रिलेटेड क्या पॉइंट हुआ है? ठीक है, तो देखो, आईसीसी मेंस जो T20 वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है, इंडिया ने जीता है,
इंडिया ने अफ्रीका को हराया 7 रन से फाइनल में। फाइनल कहाँ हुआ था? केनसिंगटन जो ओवल ब्रिज टाउन बारबाडोस में हुआ है, बारबाडोस में हुआ फाइनल, ध्यान रखना ठीक है। और रिटायरमेंट किसने लिया है? अपने किंग कोहली ने रिटायरमेंट ले लिया T20 क्रिकेट से ओनली, रोहित शर्मा ने लिया, रविंद्र जडेजा ने, ठीक है ये भी पॉइंट ट्रू है ठीक है। और ये इंडिया का सेकंड टाइटल है, इससे पहले इंडिया ने धोनी की कैप्टनसी में 2009 में जीता था, तो ये पॉइंट गलत है, तीनों पॉइंट ट्रू है ठीक है। मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला था? अपने किंग कोहली को मिला था ठीक है। और कोहली जी ने बोला है, जो अपने फाइनल में इंटरव्यू हुआ था वो मोटिवेशन के तरीके से बता रहा हूँ आपको, उन्होंने यही बोला था कि एक चीजें आपके साथ होती है और एक आप करते हो। तो 2012 से कोहली जी खुद कर रहे थे कि फाइनल जीताना है, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है, नहीं हो पा रहा वो, इतने सालों का हार्डवर्क था। और इस साल कोहली जी ने केवल फाइनल में रन बनाया, इतना वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, तो चीजें अपने आप साथ अपने आप हो रही थी उनके साथ कि ये वर्ल्ड कप अपने आप जीत रहे हैं। तो आप मेहनत करते रहोगे ना, तो जिस एग्जाम के लिए मेहनत करोगे, मान लो इन केस आपका वो एग्जाम नहीं निकला ना, उसके अगले वाला एग्जाम निकल जाएगा, क्योंकि वो डॉट्स कनेक्ट होते जाएंगे। इसलिए हिम्मत मत हारो, हिम्मत हार जाओगे ना, सबसे बड़ी चीज है सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आप 10 दिन में भी मैच निकाल सकते, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, तो सेल्फ बिलीफ रखो ठीक है। चलो क्वेश्चन में आते हैं वापस, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए अपन। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंडिया के साथ और कौन कौन सी कंट्री ने 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया ने 2007 में जीता था धोनी की कैप्टनसी में, और अभी रोहित शर्मा की कैप्टनसी में जीता है। इंडिया से पहले इंग्लैंड ने जीता है 2010 और 2022 में, और वेस्ट इंडीज ने 2012 और 2016 में जीता, ठीक है। बीसीसीआई ने कितने प्राइज मनी रखी? 125 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया है ये बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में बताना, मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया है ठीक है, बॉलर को दिया है, ये हिंट दे देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर, थोड़ा जल्दी करते हैं, मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट किया सॉरी, मुझे लगता है कि बस अपन पढ़ते रहें, टाइम वेस्ट ना करें, बट थोड़ी सी मैंने बात की आप लोगों के साथ मोटिवेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेसक्राफ्ट दैट हैज रिसेंटली बिकम इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन टू कंप्लीट इट्स फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ? लैग्रेंजियन पॉइंट, L1 पॉइंट बोल दो आप, लैग्रेंजियन पॉइंट बोलने की जरूरत नहीं है, लैग्रेंजियन, तो L1 पॉइंट ही बोलते हैं इसको शॉर्ट में, क्योंकि पूरा नाम लेने कोई नहीं जाएगा, L1 पॉइंट है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, कौन क्या है जो इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन बना है ठीक है, जिसने फर्स्ट हेलो ऑर्बिट को कंप्लीट किया है। हेलो ऑर्बिट कहाँ है? जो सन अर्थ के L1 पॉइंट के पास में है, तो वो है आदित्य L1 मिशन ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट है, इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन बनाया गया एट L1 पॉइंट, कंप्लीट इट्स फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट, सन अर्थ के आसपास L1 पॉइंट है ठीक है। द स्पेसक्राफ्ट इन हेलो ऑर्बिट टेक्स 178 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड L1 पॉइंट, तो एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगा? 178 डेज। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है अंदर अगर डीप में जाए ठीक है। तो स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? आदित्य L1 ठीक है। इन्होंने क्या किया है? इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन किया है, उसके थ्रू क्या इन्होंने कंप्लीट किया है? फर्स्ट हेलो ऑर्बिट का जो रिवोल्यूशन है वो कंप्लीट किया है, जो L1 पॉइंट के पास में है, उसको 178 डेज लगे ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन टिपिकल था इसलिए एक्सप्लेन करने में टाइम लगा। ये चलते हैं, कौन अभी 30वें चीफ बने इंडियन आर्मी के? तो वो बने उपेंद्र द्विवेदी ठीक है, मनोज पांडे को रिप्लेस किया इन्होंने ओके। और दिनेश कुमार त्रिपाठी इंडियन नेवी के चीफ बने, नेवी चीफ। और वाइस चीफ कौन बने नेवी के? वाइस चीफ कृष्ण स्वामीनाथन। कमेंट सेक्शन में बताना आर्मी के वाइस चीफ कौन बने। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 पे, अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया मोस्पी मिनिस्ट्री ने टू प्रोवाइड रियल टाइम डेटा टू प्लानर पॉलिसी मेकर रिसर्चर एंड जनरल पब्लिक। तो प्लानर पॉलिसी मेकर रिसर्चर को रियल टाइम डेटा मिल जाए, उसके लिए मोस्पी मिनिस्ट्री ने ई संख्या की पोर्टल लॉन्च किया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं मैं, और ये 29 जून जो नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे है उस दिन लॉन्च किया था, इसकी थीम क्या थी? यूज योर डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट चलते हैं अभी, व्हाट इज द नेम ऑफ द हेल्पलाइन दैट वॉज लॉन्च एज नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन विद अ टोल फ्री नंबर 1933 बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह जी ने अभी नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया 1933, उसका नाम है मानस।
मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र उसकी शॉर्ट फॉर्म है। कमेंट सेक्शन में प्रवाह की फुल फॉर्म बताओ, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इरडा ने अभी अनाउंस किया है कि ये 290 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके 900 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कौन सी कंट्री में? तो ये लगा रहे हैं नेपाल में। इरडा और सतलुज जल विद्युत निगम के साथ मिलकर 900 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कितना इन्वेस्ट किया? 290 करोड़। ठीक है, इंडिया ने ताइवान के साथ एक एग्रीमेंट किया था, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट ऑर्गेनिक सेक्टर में, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट किया था ऑर्गेनिक सेक्टर, काफी इंपॉर्टेंट था ये भी। नेक्स्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है इट्स प्लान टू लॉन्च द रैपिड एपोपिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। रेम्स मिशन कौन से ईयर में लॉन्च करेंगे? टू स्टडी द एस्टेरॉयड एपोपिस फॉर प्लेनेटरी डिफेंस पर्पज। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करेगी रेम्स मिशन कौन से ईयर में? 2028 में। ठीक है, और एपोपिस इज एक्सपेक्टेड टू पास विद इन 20,000 माइल्स ऑफ अर्थ सर्फेस ऑन 13 अप्रैल 2029। तो कहेंगे 2029 दिया, 2029 में वो एक्सपेक्टेड करेगा, पास करेगा वो 2029 में अर्थ की सर्फेस को। ठीक है, और ये लॉन्च कब करेंगे? 2028 में लॉन्च करेंगे। रेम्स मिशन शॉर्ट में बोलते हैं रैपिड एपोपिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी को लॉन्च करेगी। नेक्स्ट, अभी किसको ऑनर किया है? ओलंपिक ऑर्डर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से किसको ऑनर किया है? तो वो किया है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ये पहले गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया के, ठीक है, इंडिविजुअल। ठीक है, ये जो 142nd सेशन हुआ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का पेरिस के अंदर, ओलंपिक का सेशन देख लो एक बार, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने जो बीजिंग ओलंपिक है 2008 में, 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। ठीक है, 2009 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया। अब देखो, इन्होंने 2008 में जीता, 2009 में इनाम दे दिया, और मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में जीता और 2018 में उनको पद्मश्री दिया। उनके साथ बहुत गलत हुआ था, मूवी में बताया है ये। ठीक है, और इसके अलावा और ये यंगेस्ट रिसिपेंट है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, वो इनको मिला है 2002 में मिला था। नेक्स्ट, अभी किसको भी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मेस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, तो वो दिया है लालिन ज्वाला छांगटे को जो मिजोरम से हैं। ठीक है, और वुमेन्स का दिया इंदुमती कातिरेसन को जो तमिलनाडु से है। ठीक है, उसके अलावा AI ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से प्रोमिसिंग मेन्स प्लेयर का अवार्ड दिया डेविड लाल हाल संगा जी को। ठीक है, और वुमेन्स का जो अवार्ड दिया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से प्रोमिसिंग वुमेन्स का अवार्ड दिया नेहा। ठीक है, चारों चीज याद रखना। नेक्स्ट, टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज रिसेंटली सिक्योर्ड विच पोजीशन आउट ऑफ द टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज इन द ग्लोबल मीडियन टॉयलेट राउंड टेबल रैंकिंग फॉर 2024। तो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस की 6th रैंक है, बस ये याद रखो, इंडेक्स की क्लास देख लो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी अलग से। ठीक है, अभी कौन से बैंक ने पार्टनरशिप की है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ मिलकर? उन्होंने लॉन्च किया है रेसर फॉर ग्लोरी टू सपोर्ट 50 टैलेंटेड फीमेल रेसलर रेसलिंग एथलीट फ्रॉम इंडिया। तो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट के साथ पार्टनरशिप की इंडसइंड बैंक ने, और उन्होंने लॉन्च किया रेसल फॉर ग्लोरी। ठीक है, एक सेकेंड, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन अपॉइंटमेंट में मैंने बताया था और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यन KV सुब्रमण्यन को भी फेडरल बैंक MD CEO बना रहे हैं 3 साल के लिए, और ये रिप्लेस करेंगे श्याम श्रीनिवासन को। ठीक है, और ये पहले तमिलनाडु बैंक के थे, वहां से हटके अब ये इसके बन रहे हैं। ठीक है, एक बार अपॉइंटमेंट की क्लास देख लेना, सारे याद करवाए मैंने। नेक्स्ट, और बंधन बैंक के रतन कुमार केश बन रहे थे 3 साल के लिए, ये भी बताया था। कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन रहा है वर्ल्ड का पहला स्टेट टू लॉन्च ए ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स जीप इंडेक्स टू असेस द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकोसिस्टम? तो जीप इंडेक्स कौन लॉन्च कर रहा है? उत्तराखंड। ठीक है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया था उसमें 79 स्कोर था, केरला के साथ टॉप पे था ये, केरला 4th कंसेक्यूटिव ईयर में टॉप पे आया था, और उसमें इंडिया की रैंक 66 से 71 हो गई थी, और सेकंड नंबर पे था तमिलनाडु। ठीक है, तो ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स किसने लॉन्च किया? उत्तराखंड में। नेक्स्ट चलते हैं अपन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलेबोरेशन विद BBVA कोलंबिया रिसेंटली लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड विद ए वैल्यू ऑफ
70 मिलियन US डॉलर टू कॉम्बेट बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो वो किया है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने, BBVA कोलंबिया के साथ मिली। कितने अमाउंट का? 70 मिलियन US डॉलर का है, ठीक है। इनिशियल ट्रेंस कितनी है उसकी? 15 मिलियन। तो BBVA कोलंबिया के साथ मिलकर किया है IFC ने, ठीक है। क्या किया है? वर्ल्ड का पहला बायोडाइवर्सिटी बॉन्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 27th चेयरमैन कौन बन रहे हैं? तो चल्ला श्रीनिवासलु शेट्टी दिनेश कुमार खरा को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन बनी है? सुजाता सोनेक, ठीक है। CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट, इस पर द रिसेंटली रिपोर्ट टाइटल ग्लोबल ट्रेंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2023, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुए हैं उसकी एक रिपोर्ट आई है। उसके अकॉर्डिंग हाउ मेनी पीपल हैव रिमेंड फोर्सफुली डिस्प्लेस एट द एंड ऑफ 2023, तो कितने लोगों को फोर्सली डिस्प्लेस किया है? तो वो किया है 117.3 मिलियन, 117.3 मिलियन, ठीक है। फिर आज तो मैं ये क्लास कब की रिकॉर्ड कर देता कि बीच थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, बहुत मुश्किल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास, बट करना है कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 1 लाख रुपीज टू एलिजिबल कैंडिडेट प्रिपेयरिंग द UPSC एग्जाम, जो UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 1 लाख रुपए देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है। और इसमें क्राइटेरिया भी है, वो भी ध्यान रखना है। फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। प्रीलिम्स क्वालिफाई होना चाहिए और SC ST फीमेल और थर्ड जेंडर से होना चाहिए कैंडिडेट, उनको 1 लाख रुपए का सपोर्ट मिलेगा निर्माण पोर्टल, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने CSR एक CSR इनिशिएटिव लॉन्च किया, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जामिनर। नेक्स्ट, पवन कपूर सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया एट समिट ऑन पीस इन यूक्रेन टाइटल पाथ टू पीस समिट। दिस समिट वॉज होस्टेड बाई विच कंट्री? तो भी रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस के लिए एक समिट हुआ, पार्ट टू पीस समिट, ठीक है। वहाँ पे इंडिया की तरफ से पवन कपूर जी गए थे, जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, ठीक है। तो इसको होस्ट किया स्विट्जरलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। नीदरलैंड से एक पर्सन है मार्क रूटे, ठीक है, ये सेक्रेटरी जनरल बनने वाले हैं नाटो के, जेंस स्टोल्टनबर्ग को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। और यूरोपियन काउंसिल है ना, उसके एंटोनियो कोस्टा बनेंगे 1 अक्टूबर से, एंटोनियो कोस्टा 1 अक्टूबर से बनेंगे, ठीक है, 1 अक्टूबर 2024। इटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि जो मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना 60 है इटली के अंदर, 59 चाइना में। नेक्स्ट, IMF ने एक इंडेक्स लॉन्च किया AI प्रिपेयरनेस इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक्स कितनी है? इंडिया की रैंक 72nd है। इंडिया इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी में, EM कैटेगरी में, इसमें 3 कैटेगरी होती है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी, एडवांस इकोनॉमी और लो इनकम कंट्री, ठीक है। इंडिया की रैंक 72nd है। नंबर 1 पर सिंगापुर 0.80, नंबर 2 पर डेनमार्क 0.78। मैंने बोला है डेनमार्क तो सेकंड पे ही होता है, लिख के ले लो आप, ठीक है। और थर्ड पे USA है, ठीक है। और 3 कैटेगरी होती है, इंडिया की रैंक 0.49 है, ठीक है। इंडिया एशिया में सेकंड हाईएस्ट है, फर्स्ट नंबर पर एशिया में चाइना है, इसका स्कोर है 0.63, इंडिया का स्कोर 0.49, ठीक है। अभी जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से जो वर्ल्ड लिवेबल सिटी इंडेक्स आया, ठीक है, उसमें इंडिया की रैंक 141 थी, ठीक है। न्यू दिल्ली और मुंबई सेम फेज पे थे, ठीक है, सेम प्लेस पे थे। नंबर 1 पे थी वियना और नंबर 2 पे वहाँ पे भी डेनमार्क की कोपेनहेगन था, तो मैंने बोला था डेनमार्क सेकंड नंबर पे ही आता है। नेक्स्ट, ये अभी 26वें ओलंपिक और पैरालंपिक जो विंटर गेम्स होंगे 2030 में, ये भी ध्यान रखना, इस टाइप से भी लिख के आ जाता है, तो वो कहाँ होगा? तो वो होगा फ्रेंच एल्प्स फ्रांस में, ये 26वां एडिशन होगा। और 27वां एडिशन होगा वो होगा सेल्ट लेक सिटी उटा USA में होगा, ठीक है। और पर अभी समर ओलंपिक की बात करें तो 2028 में समर ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में होगा। 2032 में कहाँ होगा? क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में होगा। और 2036 में मोस्ट प्रोबेबली इंडिया होस्ट करेगा, अभी अनाउंस कुछ भी नहीं हुआ है। एकोजेन एशियाज फर्स्ट लो कार्बन ग्रीन जिंक वॉज रिसेंटली लॉन्च बाई विच ऑर्गेनाइजेशन?
तो एशिया का लो कार्बन ग्रीन जिंक है इकोजेन, ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट विद गयाना टू प्रोवाइड इंडिया सपोर्टेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ 2.5 मिलियन। तो एग्जिम बैंक दे रहा है 2.5, ठीक है, 23.27 भी दिया था इनको डोनियर एयरक्राफ्ट परचेस करने के लिए, और इसके थ्रू ये क्या करेंगे, सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट बनाएंगे चेडी जगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गयाना में। ये पूछ सकते हैं ये एयरपोर्ट कहाँ पे, या लोकेशन पूछ सकते हैं कि उसको इतना लोन दिया कहाँ बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबी स्टार मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड सोफी 2024, अराउंड हाउ मेनी पीपल फेस द हंगर इन 2023। तो टोटल 733 मिलियन लोगों ने हंगर फेस किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज होम टू 194.6 मिलियन अंडर नरिश्ड पीपल, विच इज हाईएस्ट इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबसे ज्यादा अंडर नरिश पीपल कहाँ है, इंडिया में 194.6 पीपल है, ठीक है। और इसकी थीम क्या है सोफी रिपोर्ट की, फाइनेंसिंग टू एंड हंगर फूड इनसिक्योरिटी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। एज पर द रिपोर्ट बिटवीन 713 मिलियन एंड 757 मिलियन पीपल हैव फेस्ड हंगर इन 2023, ठीक है। तो एग्जैक्ट फिगर ध्यान रखना, 733 मिलियन लोगों ने हंगर फेस किया है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं, कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑयल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये किया है आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने, ठीक है। एलेवर्ट जो एआई पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया था, आईसीआईसी प्रूडेंशियल जनरल इंश्योरेंस। नेक्स्ट, असम गवर्नमेंट ने 60 साल का लीज एग्रीमेंट किया टाटा ग्रुप के साथ टू सेटअप ए सेमीकंडक्टर यूनिट एट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट। तो 27,000 करोड़ का पार्टनरशिप की है सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट, एमपी 2025 को सेलिब्रेट करेगा एज ए इंडस्ट्री ईयर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ एस्टिमेट ऑफ नेशनल इम्यूनेशन कवरेज रिपोर्ट, इंडिया नेशनल इम्यूनेशन प्रोग्राम मिस्ड हाउ मेनी चिल्ड्रन फॉर डीबीटी डाइपेथेरिया पर्टुसिस एंड टिटनेस एंड मिजल शॉट्स इन 2023। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि इंडिया में जो इम्यूनेशन प्रोग्राम था उसमें कितने बच्चों को वैक्सीन नहीं लगी कोई भी, तो वो है 1.6 मिलियन इंडिया के अंदर। इंडिया सेकंड नंबर पे, नंबर वन पे नाइजीरिया है, 2.1 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, विच कंपनी हैज एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद आईआईटी बॉम्बे टू डेवलप इंडिया इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। तो इंडिया की पहली क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर टीसीएस बना रहा है। टीसीएस का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बन रहा है, फ्रांस के अंदर पेरिस में, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पासपोर्ट। एक बैटरी के ऊपर एक क्यूआर कोड होगा, उससे सारी बैटरी की डिटेल आ जाएगी। तो वर्ल्ड की पहली इलेक्ट्रिक ईवी बैटरी पासपोर्ट किसने लॉन्च की है, विच डॉक्यूमेंट द ओरिजिन ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें सारी डिटेल होगी, ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट ये सब होगा, ठीक है। तो ये किए वोल्वो कार्स ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 55 पे, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो कोई नहीं, रिपीट क्वेश्चन हो गया अपने आज, मैंने बहुत चेक किया था अच्छे से, फिर भी रिपीट हो गया। ये सेरेब्रेनी का जो जीनोसाइड हुआ उससे रिलेटेड 11 जुलाई को हर बार दिन है, ठीक है। एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड विच सेट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन हाउ टू क्रिएट ए ग्रीन स्कूल बाय प्रमोटिंग एन एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच। तो ग्रीन स्कूल क्वालिटी स्टैंडर्ड यूनेस्को ने लॉन्च किया है ग्रीन स्कूल के लिए, ठीक है। सोइल है, सोइल इंडेक्स भी इन्होंने किया था, यूनेस्को ने रिलीज किया था। नेक्स्ट, जुलाई में कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ था, तो वो हुआ है 1.82 लाख करोड़ जुलाई के अंदर, ठीक है। इंक्रीज कितना हुआ था ईयर ऑन ईयर की बात करें तो 10.3% इंक्रीज हुआ। जीएसटी कलेक्शन देख लेना, इनको रटने मत बैठोगे सर याद नहीं हो रहे, याद नहीं हो रहे, रटोगे तो याद नहीं होंगे, रिलेट करते रहो जैसे मैं रिलेट करता हूँ, दिन में 10 मिनट रिलेट कर लो, नहीं भूलोगे और ऑप्शन से याद आ जाएगा। रटोगे कि सर एग्जैक्ट अमाउंट हमें तो याद आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, एक बार में आ जाए। नेक्स्ट, वर्ल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन मोल्टन थ्योरम सॉल्ट इज गोइंग टू बी बिल्ट बाई विच कंट्री। तो वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है जो मोल्टन थ्योरम सॉल्ट के ऊपर है, तो वो बना रहा है साउथ कोरिया, सॉरी साउथ कोरिया नहीं, चाइना बना रहा है, आई एम सॉरी,
चाइना बना रहा है, आंसर मन में चाइना है, मुंह से साउथ कोरिया निकल गया, तो चाइना बना रहा है जो मोल्टन थोरियम सोल्ट के ऊपर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव किया है, विद विच कंट्री टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन द कोलैबोरेशन बिटवीन टू कंट्रीज। तो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव इंडिया ने किया है यूके के साथ। ठीक है, अभी शिवाजी महाराज की 350वीं एनिवर्सरी पे जो वागनक है, वागनक टाइगर क्लोव, वो यूके से ही इंडिया में लेके आ रहा है, और टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव इंडिया ने यूके के साथ किया है। ठीक है, और इंडिया ने भीष्म पोर्टेबल जो मोबाइल वैन है वो यूक्रेन को दिए। चार, नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइन एन एग्रीमेंट ऑफ हाउ मच अमाउंट टू सपोर्ट द ऑपरेशन ऑफ WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर इन जामनगर गुजरात। तो जो ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर है, ठीक है, उसके सपोर्ट के लिए WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने $85 मिलियन दिए हैं। डोनर एग्रीमेंट के थ्रू वो $250 मिलियन देंगे। ठीक है, और बस मेरी हेल्थ सही रहे यार कल, क्योंकि कल बजट बनाना है, बजट सारा टाइप वगैरह करना है मुझे, अच्छे से कंटेंट बना के फिर रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने से इम्पोर्टेंट आपको याद करवाना है, तो सब सही रहे। और जो ये डोनर एग्रीमेंट है 10 साल का है, 2022 से 2032 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इतना FDI अभी ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल कर दी है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल MRO फैसिलिटी के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटोमेटिक रूट से FDI 100% कर दिया है। ठीक है, प्लस एक और अपन ने ये न्यूज के साथ याद किया था, 5% IGST भी लगेगा जो भी एयरक्राफ्ट कंपोनेंट है उनके ऊपर। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आई, सोफी रिपोर्ट, वापस वही आ गया। इंडियाज प्रीवेलेंस ऑफ हंगर हैज डिक्लाइन फ्रॉम 16.6% इन 2022 टू व्हाट एक्सटेंट इन 2023, तो वो है 13.7% हो गया है। जो हंगर का प्रीवेलेंस है इंडिया में 2022 में था 16.6% और अभी कितना हो गया 13.7%। परसेंट वाइज भी याद रखना है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मेन दिक्कत ये हो रही है दोस्तों, सीटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, उस वजह से भी दिक्कत होती है थोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए जो 936 किलोमीटर गए इतना अमाउंट दिया था 50,655 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू लॉन्च रुपए क्रेडिट कार्ड विथ बोथ UPI एंड NCMC फैसिलिटी। NCMC फीचर तो RBL बैंक है, बहुत बार याद कराया मैंने, इस बार थोड़ी टाइम कम मिला है, बाकी मेरे को क्या 1 जुलाई की कंप्लीट वीडियो डालनी थी, 2-3 घंटे की मैराथन अगस्त की डालनी थी, फिर एक बैंकिंग अवेयरनेस की डालनी थी, तो क्या चीज़ें बहुत आसान हो जाती, बट टाइम की शॉर्टेज थी यार काफ़ी, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। कोई नहीं, अपन करेंगे, मैं हूँ आप लोगों के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड क्लियरेंस फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स टू प्रोड्यूस 200 अस्त्र Mark 1 एयर टू एयर मिसाइल। तो BDL को मिला है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, अस्त्र मिसाइल जिसकी रेंज है 80 से 110 किलोमीटर तक। तो 200 अस्त्र Mark 1 मिसाइल का ऑर्डर किसने दिया, इंडियन एयरफोर्स ने दिया, BDL। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया है आदि चुनचुनगिरी एस पिकॉक सेंचुरी, ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटक के। ठीक है, और ध्यान रखना अभी इंडिया की जो 81st, 82nd, 83rd, 84th, 85th रामसर साइट कौन सी है, Part 1 में मैंने बताया है, जरूर क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। एक बुक है अभी, क्या गिर फॉरेस्ट के बारे में है, ये किसने लिखी है, हु इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कॉल ऑफ द गिर लिखी है परिमल धीरज लाल नाथवानी जी ने। सुदीप्ता सेन गुप्ता ने कौन सी लिखी है, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर। KVR सुब्रमण्यन ने कौन सी बुक लिखी है, कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, जो मोदी जी के ऊपर लिखी है। ठीक है, वृंदा रमणन जी ने लिखी है समयापुरम, सेक्रेट सीट ऑफ शक्ति। नेक्स्ट, कौन सा पहला स्टेट बना है इंडिया के अंदर जो इम्प्लीमेंट कर रहा है डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन बाई साइनिंग MOU विद SBI जनरल इंश्योरेंस। तो DRTPS साइन करने वाला नागालैंड पहला स्टेट बना है इंडिया के अंदर जो डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन कर रहा है SBI के साथ मिलकर 3 साल के लिए। ओके, इंडिया का पहला नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड साउंड बॉक्स वॉज लॉन्च बाई विच कंपनी इंटीग्रेटिंग NFC कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी विथ मोबाइल QR पेमेंट।
इंडिया का पहला एनएफसी कार्ड फ्राउंड बॉक्स लॉन्च किया है, पेटीएम करो, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई अभी, वाज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, हाईलाइटिंग दैट इंडिया वुड टेक अप्रोक्सीमेटली 75 ईयर टू रीच 1/4 ऑफ द यूएस इनकम पर कैपिटा। वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट थी, उसके अकॉर्डिंग बोला है कि इंडिया को 75 साल लग जाएंगे 1/4 यूएसए की 1/4 इनकम पर कैपिटा अचीव करने के लिए। बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, किसान का सम्मान, ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया, ये किया जम्मू कश्मीर बैंक ने, किसान का सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, आरबीआई ने एक्सटेंड की है विच स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म लोन अवेल थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइक एक्टिविटीज फॉर फाइनेंशियल 24, तो एमआईएसएस को एक्सटेंड किया है, ठीक है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ठीक है, इसमें शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं आपको 3 लाख तक, 3 लाख तक सब्सिडी मिलती है आपको, इसमें ये होता है, ठीक है। और फार्मर कैन एक्सेस शॉर्ट टर्म लोन, क्रॉप लोन्स फॉर अलाइड एक्टिविटीज के लिए भी ले सकते हैं, इंक्लूडिंग एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, बी कीपिंग अमंग अदर्स, एट ए कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 7%, ठीक है। नेक्स्ट, हाइएस्ट एनरोलमेंट कौन से स्टेट से हुआ है ऑफ वर्कर इन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम, तो वो है हरियाणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, यहाँ से क्वेश्चन आता हुआ लग रहा है मुझे एग्जाम में, ठीक है। इसमें क्या है, जिनकी एज 18 से 40 साल है वो इसमें इनरोल कर सकते हैं, 60 ईयर तक आपको कंट्रीब्यूशन करना है, मिनिमम 55 से लेकर 200 रुपये तक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर आप 18 साल में ज्वाइन करोगे तो 55 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना है, 29 साल में ज्वाइन करोगे तो 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना है, 40 साल में ज्वाइन करोगे तो 200 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। अगर कोई भी वर्कर है जिसकी सैलरी इनकम 15,000 या उससे कम है तो वो इनरोल कर सकता है, 60 साल के बाद 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी, ठीक है। अच्छे से मैंने पढ़ाया है आप लोगों को ये क्लास के अंदर। और हरियाणा पहला स्टेट बना है जिसने ऑल 23 क्रॉप्स को बाई किया है एट MSP। IT सक्षम युवा योजना भी हरियाणा की है। नेक्स्ट, विच इंडियन सिटी वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल, तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का अवार्ड किसको मिला है, श्रीनगर को मिला है, कल भी देखा था मैंने वहीं पे, ग्रो विद द ट्री प्लांटेशन ड्राइव, BSF और SBI ने किया था। फोर्थ एडिशन ऑफ राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ होगा, ये होगा भोपाल के अंदर, हो रहा है, हो गया है सॉरी, ठीक है। और 32nd एडिशन हुआ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, ये कहाँ हुई, न्यू दिल्ली में ये परिवर्तन चिंतन टू हुई थी, और इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेज, ये कहाँ हुई, न्यू दिल्ली में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फर्स्ट एवर IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वॉज इनोग्रेटेड एट विच प्लेस, तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का MSME से का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अहमदाबाद में बना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर देना। नेक्स्ट चलते हैं, सुविधा सॉफ्टवेयर वर्जन 1.0 ए कटिंग एज टूल डिजाइन टू इनहेंस ट्रेनिंग प्रोटोकॉल एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी अक्रॉस ऑल इट्स प्लेटफॉर्म वॉज लॉन्च बाई इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 MOU किए थे, स्टील से रिलेटेड तो किया जिंदल स्टील के साथ, ठीक है, ताकि इंडिजिनियस स्टील यूज हो, और एल्यूमिनियम यूज करने के लिए एल्यूमिनियम इंडियन जो भी शिप बन रही है उसमें यूज हो, उसके लिए हिंडाल्को के साथ MOU किया था, हिंडाल्को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सी, किसने अभी MOU किया है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया के साथ टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, तो किसान क्राफ्ट लिमिटेड ने अभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है तंजानिया की उसके साथ MOU किया, काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको अभी कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया 2 साल के लिए, 30 अगस्त से बनेंगे, वापस ये क्वेश्चन इसीलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा को रिप्लेस करेंगे, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ के आए हैं पीवी सोमनाथ, फाइनेंस मिनिस्ट्री किसको बनाया है, फाइनेंस सेक्रेटरी विद सचिव तुहिन कांता पांडे, ठीक है। होम सेक्रेटरी गृह सचिव गोविंद मोहन अजय कुमार भल्ला को रिप्लेस करेंगे, विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं, गोल्डन सर्कल प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन
ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया गोल्डन सर्कल प्रोग्राम सीनियर सिटीजन के लिए? तो क्या डीबीएस बैंक इंडिया ने। एक क्वेश्चन का आंसर देना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, मैं बता देता हूँ मेरे से गलती हुई थी, मैंने आपको कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ है, पिन किया हुआ है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो स्कीम है उसमें एचयू ऑफ और इंडिविजुअल के लिए तो मैक्सिमम गोल्ड की लिमिट है 4 किलो है, ठीक है, ट्रस्ट के लिए 20 किलो है। तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, मैंने आपको एचयू ऑफ का भी 20 kg बता दिया, बट एचयू ऑफ का 4 किलो है, ध्यान रखना, ठीक है। 50 रुपये का कैशबैक मिलता है इसमें, 8 साल इसका टोटल रखना है आपको, 5 साल के बाद आप इसको ब्रेक कर सकते हो, ओके। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट टाइटल वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023, इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर, और एक्सपोर्ट की वैल्यू 51 बिलियन है। इंडेक्स में मैंने पढ़ाया इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में इंडिया की रैंक 8th है, नंबर 1 पे यूरोपियन यूनियन है 836 बिलियन के साथ, नंबर 2 पे यूएसए है, नंबर 3 पे ब्राजील है, ओके। टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, ठीक है, इंडिया की रैंक 8वीं है, ठीक है। ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है बोल पाना। इसका कुछ सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा मुझे, ताकि मैं लंबी क्लास ले पाऊँ, मज़ा आता है मुझे लंबी क्लास लेने में। कुछ सॉल्यूशन देखेंगे इसका, परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। किसको अभी एमडी सीईओ बनाए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का? तो वो बनाए प्रवीण राय को, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपन, हर्षपति सिंघानिया को वाइस चेयरमैन किसका बनाए कमेंट सेक्शन में बताओ। ऋषभ गांधी जी को किस पोस्ट पे किस कमेटी का चेयरमैन बनाया था ये बता दो। चलो, साइंटिस्ट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड मिथेनोट्रॉप्स इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस मिथेन मिटिगेटिंग एजेंट? तो मिथेन को मिटिगेट करने के लिए मिथेनोट्रॉप्स किसने बनाया, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया। नेक्स्ट, विच एयरलाइन वॉज रिसेंटली नेम द बेस्ट एयरलाइन इन इंडिया साउथ एशिया 2024 एट स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2024? वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड हुए हैं स्काईट्रैक्स की तरफ, स्काईट्रैक्स का हेडक्वार्टर लंदन में है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी लंदन में है, ठीक है। तो बेस्ट एयरलाइन तो वो है विस्तारा, नंबर 1 पे कतर एयरवेज है 8 consecutive ईयर, नंबर 2 पे सिंगापुर एयरलाइन है वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन की बात करें, नंबर 3 पे इमिरेट्स है, ठीक है। और इंडिया और साउथ एशिया में विस्तारा को 8 अवार्ड मिले अलग अलग, ठीक है। और बेस्ट बिजनेस क्लास का अवार्ड भी इसी को मिला है 3rd consecutive ईयर। और मोस्ट इम्प्रूव्ड एयरलाइन इन एशिया तो वो है एयर इंडिया, सबसे इम्प्रूव्ड एयरलाइन है। क्वेश्चन नंबर 85 पे भी स्टार मार्क कर लो, इंडियन नेवी ने अप्रूव किया है विच कंपनी टू कंस्ट्रक्ट 6 एडवांस सबमरीन इन पार्टनरशिप विद जर्मनी थाइसेन ग्रुप मरीन सिस्टम अंडर प्रोजेक्ट P75। तो थाइसेन ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करेगा MDL, तो 60,000 करोड़ का ऑर्डर दिया है इंडियन नेवी ने, बहुत बार याद करा दिया ये क्लास में, डेली क्लास जिसने देखी होगी। नेक्स्ट, कौन सा पॉइंट ट्रू है? तीनों ही पॉइंट ट्रू है, तीनों पॉइंट में क्या बोल रहा है वो मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री जीवन जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना, इसका आउटले कितना है, 5 साल तक इसको लॉन्च किया, आउटले नहीं है, 5 साल तक रहेगी है, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का आउटले 3,06,137 करोड़, 3.06 लाख करोड़ भी याद रख सकते हो आप। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 2 करोड़ घर और बनाने और अर्बन में 1 करोड़ और घर बनाने, 25 से 29 तक एक्सटेंड कर दिए। और क्लीन प्लांट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने प्रपोज किए, इसका आउटलेट 1,765 करोड़। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं, एएनएमयू वाज साइन बिटवीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड वाज साइन बाय विच मिनिस्ट्री टू ग्रांट असिस्टेंस फॉर द लॉन्च ऑफ नेपाल बिल्ट मुनाल सैटेलाइट? पहले याद कराया था मैंने, मुनाल सैटेलाइट के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने पार्टनरशिप की थी। नेक्स्ट, इंडिया का पहला राउंड द क्लॉक ग्रेन एटीएम अन्नपूर्ति ये ओडिशा ने बनाया, ठीक है। सुभद्रा स्कीम भी यहीं की है, और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के जो टॉप इनोवेटिव सोल्यूशन है उसके अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया है। ये बजट का ही क्वेश्चन है। अभी गवर्नमेंट ने 3 स्कीम अनाउंस की फॉर एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव एज ए पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर पैकेज अंडर स्कीम है, स्कीम ए बी सी है। उसमें स्कीम ए में जो फर्स्ट टाइमर है, जो पहली बार जो लगी है, ठीक है, जिनको डीबीटी के थ्रू कितना अमाउंट देंगे तो 15,000 देंगे मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना इंडिया के अंदर जो प्रोवाइड कर रहा है कैश
टू एडल्ट एंड गर्ल्स टू बाई सैनिटरी नैपकिन। मध्य प्रदेश पहला स्टेट बना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली बिल्ड करी इंडिया का पहला सुन कैन म्यूजियम एट मयू टॉम कॉम्प्लेक्स? तो ये बना रही आगा खान ट्रस्ट, इंडिया का पहला सुन कैन म्यूजियम, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी होम मिनिस्ट्री ने अप्रूवल किया है, अप्रूव किया प्रपोजल ऑफ युवा आपदा मित्र स्कीम, तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च की जाएगी? फॉर ट्रेनिंग ऑफ 1300 ट्रेंड आपदा मित्र वॉलेंटियर इज मास्टर ट्रेनर, तो कितने आपदा मित्र वॉलेंटियर को ट्रेनिंग मिलेगी? 1300, ये भी याद रखना है। और युवा आपदा मित्र स्कीम को 315 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा और भी चीजें हैं, एक सेकंड थोड़ा सा और पानी का ब्रेक लेके फिर बताता हूँ क्योंकि डेटा उसमें ज्यादा है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं फुल टाइम कोचिंग ही करूँ क्योंकि मुझे इसमें बहुत मजा आता है, आपको जीए पढ़ाने में स्पेशली याद करवाने में बहुत मजा आता है। बट आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, जल्दी से 25,000, 50,000, 1,00,000 करो यार, ठीक है। अब देखो इसके अंदर और भी जो किए हैं अप्रूवल, वो किए हैं 6 प्रोजेक्ट प्रपोजल किए हैं तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में, ठीक है। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट के लिए कितना आउटले किया? 2514, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट प्रपोज किया है इंटीग्रेट सॉल्यूशन फॉर फ्लड मैनेजमेंट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के लिए स्पेशली कितना किया? 561 करोड़, ठीक है। एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट असम, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, तीन स्टेट के लिए जो एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन करना है फायर सर्विसेज का, उसके लिए 810 करोड़ रखा है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। और एनडीआरएफ के लिए टोटल अमाउंट कितना अलोकेट किया है 11 स्टेट के लिए? टोटल अमाउंट किया 5,000 करोड़, ठीक है। उसमें से ऑलरेडी अप्रूव कितना कर दिया 11 स्टेट के लिए? 1691 करोड़, ठीक है। और जीएलओ रिस्क मिटिगेशन के लिए, ये मैंने अभी बताया था आपको, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए 150 करोड़ आउट लगा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट स्मॉल एंड मीडियम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लाइसेंस वॉज रिसीव्ड बाई विच कंपनी फ्रॉम सेबी? तो इंडिया का पहला स्मॉल मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का लाइसेंस किसको मिला है? वो मिला है प्रॉपर्टी शेयर को। अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया? पंजाब नेशनल बैंक ने। पंजाब नेशनल बैंक पर 1.31 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई आरबीआई ने। सेफ्टी रिंग भी पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च की है। अंतर्दृष्टि ब्रेल एटीएम की लिमिट कितनी? 25,000 पर डे, ठीक है। इंडिया इज शेड्यूल्ड टू कमेंस फुल स्केल प्रोडक्शन ऑफ 4.5 जनरेशन प्लस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क टू फाइटर जेट फ्रॉम विच ईयर? तो जो LCA मार्क टू फाइटर जेट है 4.5 जनरेशन के, इंडिया कब से स्टार्ट करेगा इसका प्रोडक्शन? 2029 से, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद इंडिया टू प्रमोट ऑपरेशन टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज? तो असमी के लिए स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो है USA का। अजरबैजान न्यूज में क्यों? कमेंट सेक्शन में बताओ। हंगरी किसकी प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, ये भी कल बताया था। अभी प्राइमस अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड वीजा के साथ मिलकर एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, अभी न्यूली इंकॉर्पोरेटेड NPCI भीम सर्विस लिमिटेड किसको उसका CEO अपॉइंट किया है? तो वो किया है ललिता नटराज। BSNL के कौन बने? रॉबर्ट जे रवि BSNL के, रवि अग्रवाल CBDT के, ठीक है। और इस जो नई ऑर्गेनाइजेशन बनी NPCI भीम सर्विस, उसके CEO तो ललिता नटराज, और चीफ बिजनेस ऑफिसर कौन है? राहुल हांडा, ठीक है। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई है थर्ड, उसके अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट हुआ है? तो 9th टाइम हुआ है कि रेपो रेट को चेंज नहीं किया है, 6.5% ही रखा है, ठीक है। RBI ने प्रोजेक्ट की है फाइनेंशियल ईयर 25 की क्वार्टर वन की 7.1%, क्वार्टर टू की 7.2, क्वार्टर थ्री की 7.3, क्वार्टर फोर की 7.2 और क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 26 का कितना रखा है? 7.2। और UPI की लिमिट जो टैक्स पेमेंट के लिए 1,00,000 से बढ़ा के 5,00,000 कर दी है, तो सारे पॉइंट ट्रू है। और ये 50th मीटिंग थी। रेपो रेट 6.5, लेटेस्ट SDF 6.25, MSF 6.75, बैंक रेट 6.75, ये दोनों इक्वल होते हैं। CRR 4.5, SLR 18 और क्वार्टर वन की जो एग्जैक्ट GDP रही है NSO के अकॉर्डिंग इस साल की 6.7%, लास्ट 15 मंथ का लोएस्ट है, ठीक है। लास्ट टू क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया का डिफेंस सेक्टर का
जो डिफेंस एक्सपोर्ट है कितना हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया का डिफेंस का एक्सपोर्ट कितना था, तो वो था 21,083 करोड़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन, अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नोटिफाई किया स्कीम गाइडलाइन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंसेंटिव टू डिस्कॉम, जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके अंदर इंसेंटिव देंगे डिस्कॉम को, उसका आउटले कितना रखा है, वो रखा है 4,950 करोड़, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, प्लीज लाइक कर दो यार वीडियो को, कमेंट करो क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट कल अपन करेंगे बजट, बजट थोड़ा लेट भी हो सकता है क्योंकि बजट में बहुत डेटा है और मुझे इस टाइप से प्रिपेयर करना है कि आपको सारा वीडियो से मैं याद करूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, तो थोड़ा सब्र रखना है, सब्र नहीं रहता आप लोगों के पास कि ये करो वो करो, जल्दी से दे दो, जल्दी कुछ भी नहीं होता, क्वालिटी चीज चाहिए तो टाइम लगता है। ओके, आप लोग खुद के लेवल पे भी करते रहो यार। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम दोस्तों।